अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो हाँ जी जनाब, हम एंटर हो रहे हैं कश्मीर में और सामने आपको पाकिस्तान का और कश्मीर का जो है वो फ्लैग भी नज़र आ रहा होगा। तो कश्मीर का जो हमारा विज़िट था ना, वो कोई ऐसा नहीं था कि हाँ यहाँ पर मैंने करना था स्टे और मतलब बहुत ज़्यादा घूमना फिरना था, नहीं। यहाँ पर सिर्फ ऐसा ही था कि हंगामी सा विज़िट था कुछ इस तरह का नहीं था ये। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ हम कश्मीर में जो है वो एंटर हो चुके हैं। कश्मीर का फ्लैग भी आपको मैंने दिखाया है और कश्मीर की प्यारी प्यारी सी जो हैं हसीन सी वादियाँ, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत बहुत खूबसूरत था और मैं बहुत आगे तक नहीं गई थी क्योंकि मुझसे तो इतनी ठंड बर्दाश्त होती नहीं है भाई। हाय गाइस, इंटर हो रहे हैं जी। डैम है, चाइना डैम लगा दिया पाकिस्तान को। चाइना ने डैम बना के दिया पाकिस्तान। अभी एक गेट खुला हुआ डैम का। यस। आप नीचे देखें सर, पानी का शोर कितना है, कितना शफाफ पानी है। इसके अंदर फिशिंग भी करता बंदा, इसमें आप लोग मछली का शिकार भी बड़ा अच्छे तरीके से हो सकता है। मुझे तो डर लग रहा है क्योंकि मुझे बहुत हाई फील है। आवाज बहुत प्यारी पानी की, खौफ से भी आ रहा है किसी का। काफी हम हाइट में, बहुत ऊंचाई पे, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे इस वक्त का बहुत ज्यादा शोर है। दरिया नीलम भी हम क्रॉस करेंगे। अच्छा, बहुत ज्यादा ठंड है, मुझसे तो इतनी ज्यादा ठंड बर्दाश्त हो ही नहीं रही। इतनी ज्यादा ठंड है कि मैंने शॉल भी ली हुई है और स्वेटर भी पहना हुआ है। ये बहुत खूबसूरत था। जितनी ठंड लाहौर में थी ना, उससे कई गुना थी पिंडी और इस्लामाबाद में, और उससे कई कई गुना जो थी वो थी यहाँ कश्मीर में। तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इतने खूबसूरत से मनाजिर थे। तो सोचा था कि खूब अच्छे से घूमें फिरेंगे, लेकिन बच्चों को बहुत बहुत मैंने मिस किया। तो ये सोचा कि भाई नेक्स्ट टाइम जो है ना, बच्चों के साथ आएँगे और स्टे का जो होगा ना वो सबसे पहले अरेंज करेंगे, क्योंकि जब कहीं स्टे ना होना फिर मज़ा ही नहीं आता घूमने फिरने का, ऐसे इंसान थक जाता है बहुत। जनाब, ये हम जी सलाम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब, ठीक ठाक खैरियत। लेकिन इस वक्त हम लोग कश्मीर जा रहे हैं। हाँ जी। और इस वक्त हम हिल टॉप पे खड़े हैं। हम इस्लामाबाद आए थे लेकिन हमने कहा जब इतना दूर आए हैं तो फिर हम कश्मीर भी चलते हैं। तो अभी ये देखें माशाल्लाह कितनी ग्रीनरी यहाँ पे और कितना खूबसूरत सा व्यू है। प्यारी फॉग भी पड़ रही है यहाँ पे और साथ इसके बाद सुकून है यहाँ पे बड़ा, है ना। ऐसे एरिया में एक कमरे का मकान होगा मेरा। एक कमरे का, हाँ एक कमरे का आए बस अपना। यस। एक हफ्ता 10 दिन रुके यहाँ, बच्चों साथ एंजॉय किया, बच्चे चले गए इन कलमेज अपनी हो। और मौसम बहुत प्यारा है, औसम मौसम है बहुत। और घर देखिए कितनी, ऐसा हमारा लाहौर भी होता है। लाहौर है प्यारा है, ऐसा नहीं है कि लाहौर प्यारा नहीं है, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। फ्रेश ऑक्सीजन नहीं है, सादे लोग तो कहीं भी नहीं होते। हाँ, लेकिन यहाँ पे हैं बने हुए ना। और ये स्मोग है या फॉग है? ये फॉग है। अच्छा, स्मोग जो है ना वो शहरी इलाकों में होती है, ये पहाड़ी एरियो में नहीं होती। और ये अभी 2 घंटे तक बिल्कुल भी यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, काफी ऊंचाई पर है। हिल टॉप स्टेशन पे हम खड़े हैं। चले आगे चलते हैं, चले कश्मीर मुलाकात होती है इंशाल्लाह। चले ठीक है जी, आइए। ये जो व्यू अभी हम मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। नीचे इतने सारे घर थे, इतने खूबसूरत खूबसूरत छोटे छोटे से घर थे और वो इतने प्यारे ऊंचाई से मैं देख रही थी, बहुत प्यारे लग रहे थे। और हस्बैंड बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि यहाँ पे एक अदद घर होना चाहिए, कि इंसान जो है गर्मियों की छुट्टियों में या फिर इस तरह की हॉलीडेज़ को आए तो इंसान लाजमी ऐसी जगहों पर आए, क्योंकि हम लोग गुंजान आबाद इलाकों के रहने वाले, फिर इस जगहों पर आओ, इन जगहों पर मतलब आओ ना तो बड़ा अच्छा अच्छा सा फील होता है। मतलब इतना सुकून सा लगता है ना, ना शोर गोल ये वो कुछ भी ऐसा नहीं, बहुत मज़ा आता है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बच्चों को तो साथ मैंने लाजमी लेकर आना था। और यहाँ से हमने की थी थोड़ी सी शॉपिंग, की थी थोड़ी सी बिल्कुल, और वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी क्या ख़रीदा था क्या नहीं ख़रीदा था। रोड्स जो थे वो बड़े मज़े के, इसलिए कह रही हूँ कि कोई हल ऐसा नहीं था, शोर गोल पी पा ट्रैफिक कुछ भी नहीं था, सन्नाटा सन्नाटा सा था, बड़े मज़े का। और जैसे जैसे शाम होती जा रही थी ठंड मज़ीद जो है वो बढ़ती जा रही थी। तो आज ही हम आए थे तो फ़ौरन ही ना हमारी वापसी भी थी। मैं अभी आपको ये बता ही चुकी हूँ कि स्टे वाला चक्कर तो था ही नहीं। स्टे वाला जब चक्कर होगा तो फिर आपको पूरी फैमिली के साथ जो है, अम्मी के साथ बच्चों के साथ जो है वो मैं नज़र आऊँगी अपने व्लॉग्स में। अम्मी भी आएँगी साथ लाजमी, बच्चे भी होंगे इंशाल्लाह ताला। और फिर यहाँ से हम लोगों ने ली थी मूँगफली ना, मूँगफलियाँ मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। ड्राई फ्रूट जो था वो सेम रेट ही थे लाहौर वाले। ये क्या है? मूँगफली। ये मूँगफली है और वो क्या था बोलो ना, क्या था? मूँगफला। अच्छा, क्यों मूँगफला क्यों है? वो बड़ी है इसी। अच्छा सही। तो ये जो ये वाली जो है ये वाली भून रहे
हो मूंगफली, उसको मूंगफला कहते हैं सही। तो आप भी तो मूंगफला ही कह रहे थे, फिर क्यों शर्मा रहे हो? इधर तो देखो, तो जनाब आज हमने मूंगफली और मूंगफला का डिफरेंस भी देख लिया था क्या होता है। ये कैसे किलो है ये वाली मूंगफला? मूंगफला जो है 800 और मूंगफली 700 सही हो गया। पैसे वहां रखे क्यों गए? इनफ है, काफ़ी है ना, इतनी है ना, काफ़ी है ना। चलो फिर पकड़ो ड्राई फ्रूट जो हमने पूछा था, हमने सोचा था कि यहाँ पर जो है ड्राई फ्रूट थोड़े उसमें रेट्स में कमी होगी, लेकिन ड्राई फ्रूट के सेम रेट थे जो कि लाहौर में भी थे। तो हमने कहा चलो फिर हमारा लाहौर है। वैसे भी भैया आपको पता है ये लाहौर वाकई लाहौर है, तो इन जगहों पर ना हम जैसे लोग सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक या हाँ 15 डेज़ तक रुक सकते हैं। हमें जाके सुकून आना ही उन शहरों में जहाँ पे खूब सारा आलूदा शोरगुल हो और आलूदा हवाएं हो, और इस तरह के हम हैं ही वहीं के रहने वाले। तो ये जो है ना नेचुरल ब्यूटी जो है सिर्फ हम 15 से 10 दिन ही देख सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लोगों को बर्दाश्त नहीं हो सकती है। एक्चुअली जो सही कश्मीर है ना अंदर, वो तो मैंने देखा ही नहीं था, यही देख कर बस मुझे मतलब मैं खुश हो गई थी, दिल भर गया था और थी वापसी की तैयारी। तो आएंगे कभी फिर इंशाल्लाह, जब स्टे भी होगा फिर देखेंगे खूब अच्छी तरह पूरा कश्मीर। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।